ਚ ਜੋੜੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਉਜੜੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਜਸਟ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਯੂ ਇਸ ਦਿਸ ਹੋਲ ਥਿੰਗ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ चंडीगढ़ पंजाब को दे दो और कोई मुद्दा ही है नहीं सारे साइन पंजाबी में लिख दो जरा अखा खोल के देखो पहला लिखे हुए हैं यू नो तो दे आर ये तो पहले भी आए थे कोई 2019 में भी जो पंजाब के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हाल ही में हारे हुए जेंटलमैन की वाइफ आई थी कुछ चाह रही थी जीतना यहाँ से तो वो यूनिवर्सिटी पे खड़ी होकर बोल रही थी कुछ काम तो किया होता एम पी ने इतने कोई चंगी जी यूनिवर्सिटी लिया तो मैं क्या कि होर खड़े होके लाइन कह देनी सी पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी होकर बोलने सो दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग दैट ये उछालते रहते हैं इट मे डजंट मैटर एंड वी डोंट केयर वी हैव गॉट टू डिलीवर फॉर ऑल द पीपल हु आर हियर इन चंडीगढ़ दोज हु हैव वोटेड फॉर मी एंड दोज हु माइट नॉट हैव वोटेड फॉर मी ऑल्सो आई हैव ऑलवेज हेल्प माई फ्रेंड्स इन द कांग्रेस पहले भी मैं उनकी मदद करती रही हूँ उनको जो भी चाहिए था मैं करती रही हूँ हाँ लेकिन बस एक छोटी सी गुजारिश है कि बदतमीजी ना हो हाउस में आपको लोग चुनकर इसलिए भेजते हैं कि आप उनके काम करवा सकें अगर आप पहले दिन से ही बदतमीजी करेंगे तो कौन आपके साथ जुड़ेगा तो आप थोड़ी तमीज़ दें ताकि आपको भी मिले यू गिव रिस्पेक्ट एंड यू गेट रिस्पेक्ट यू कॉन्ट एक्सपेक्ट पीपल नॉट टू गेट ऑफेंडेड इफ दे आर गोइंग टू बिहेव इन अ सर्टन वे अभी यह अखाड़ा तो है नहीं इट इज़ आफ्टर दंगल नहीं हो रहा यहाँ पर ये कॉरपोरेशन है और इसकी हम इज्जत करते हुए इसे कॉरपोरेशन की तरह चलाएं तो बेहतर मैम पंजाब में जो पिछले दिन इलेक्शन हुई हैं बीजेपी सिर्फ दो सीटा लेके जाती कोई गल नहीं अगली बार अभी 220 ले जावांगे अकाली दल नाल जो गठजोड़ बीजेपी का टुटिया है वो अकाली दल का बीजेपी का नुकसान होया नुकसान तो जी जब कोई भी गठजोड़ टूटता है तो होता ही है अब महाराष्ट्र में हुआ शिवसेना और बीजेपी का इट हैपेंड इवन दो दे माइट हैव गॉट अ लॉट ऑफ सीट्स because of being in partnership with BJP because vote bank badh jata hai then you are seat sharing maybe you have certain seats give chore property seats given to even other candidates from somebody who is your partner so I would say that both have equally suffered It's not just one party, both parties have suffered. But that is to be expected if they break up for some reason or the other. I'm sure in the coming days things will get better.